चेक माइक, वॉइस एक बार चेक करिए, वॉइस क्लियर है? सभी स्टूडेंट एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है? रौनित, रवनीत, अभिनय, सृष्टि, ऋषभ, अभय, अंश, महक, अंशुका, यस। चलिए, सभी स्टूडेंट को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं थोड़ा सा पहले डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये सब्जेक्ट जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU के अंदर और सारी यूनिवर्सिटी में होते हैं ये सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि किस में नहीं होता, सभी यूनिवर्सिटी में होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर नंबर, जो नए कोर्स आए हैं, सेमेस्टर नंबर 3 में डाला हुआ है और ये एक कोर सब्जेक्ट है, ये एक कोर सब्जेक्ट है। इसका मतलब सर, ये सब्जेक्ट जो कोर है, तो बच्चा चाहे आपका रेगुलर का हो, चाहे स्टूडेंट SOL का हो, चाहे स्टूडेंट NCVEB का हो, सभी को ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना होगा हर कंडीशन में। अदर यूनिवर्सिटी बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें किसी किसी में सेमेस्टर 5 में भी है, सेमेस्टर 4 में भी है, लेकिन सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का एकदम सेम है। तो कोई से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर थोड़ा सा समझे तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है हमारा, दैट इज पैसा। फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया, पैसा। मैनेजमेंट का करने का मतलब है उसको रख रखाव, यानी उसका यूज। यहाँ पे मैनेजमेंट से मतलब है पैसे का, कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यूज बताएं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास मान लो 10,000 रुपए हैं, आप अगर बैंक में FD कराते हो तो 10% मिलेगा, और अगर यही पैसा आप अगर मान लेते हैं शेयर मार्केट में लगा दो तो 15% मिलेगा। तो आप उस पैसे से क्या करना चाहोगे, उस पैसे से चाहोगे कि 10% से बेटर 15% है, मान लेते हैं रिस्क कहीं भी नहीं है, तो 15% आप जाओगे। तो आपने अपने पैसे का क्या करा, मैनेज। सर ये सब्जेक्ट MBA वाले स्टूडेंट के लिए बहुत खास बन जाता है, क्योंकि MBA इन फाइनेंस जो बच्चा करता है, जो स्टूडेंट करता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि सर ये कहां पे, जैसे कि हम अकाउंटिंग सीख रहे थे, अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, तो हमने जब अकाउंट्स स्टार्ट किया था तो हमें क्या क्या समझाया गया था, क्या क्या सिखाया गया था, उसकी बात करते हैं। देखो अकाउंट्स आपने स्टार्ट किया, ठीक है, अकाउंट्स आपने स्टार्ट किया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आपको 11वीं क्लास में, 11th क्लास में आपको फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाया गया है। फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब आपको जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस का बैलेंस शीट से रिलेटेड। अब जैसे ही 12th में आए तो फिर से आपका फाइनेंशियल अकाउंट था, फाइनेंशियल अकाउंट जिसको हम पार्टनरशिप अकाउंट भी कह देते हैं। ये कब आपने पढ़ा सर, 12th में, मतलब 11th में आपको इतनी ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई जाती, सो दैट आपको थोड़ा सा 12th में पढ़ाया गया। आप फिर BCOM के अंदर आ गए और BCOM के अंदर आपने सेमेस्टर 1 की बात करें तो वहां पे फिर आपको पढ़ाया गया फाइनेंशियल अकाउंट। तो जितनी बार भी अभी तक आपने पढ़ाई करी फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये सभी के सभी जितने भी ये तीनों पर स्टडी करें आपने, ये तीनों था हमारा सोल प्रोप्राइटर। ये पढ़ाया हमें इसलिए गया कि हम अपना छोटा मोटा गुजारा कर लें, किसी कम बिजनेस के अंदर हम एज अ स्मॉल अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाएगी। अगर आप यहां तक पढ़ लेते हो तो इतनी जानकारी हो जाती है कि आप बैलेंस शीट और P&L वगैरह बनाने लग जाते हो और आपको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। इसके बाद आपको सेमेस्टर 2 के अंदर
पढ़ाया गया कॉरपोरेट अकाउंट। तो बोला भैया आपने अगर छोटे मोटे बिजनेस का अकाउंटिंग अच्छे से सीख ही लिया है तो क्यों ना हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का हम आपको अकाउंटिंग सिखाएं। यानी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर जॉब करते हो तो वहां पे इसकी जानकारी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के अंदर की जानकारी होना चाहिए, जिसमें शेयर कैपिटल, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ये सब पढ़ाया गया। अब आप आ गए हो सेमेस्टर नंबर थ्री में। सेमेस्टर नंबर थ्री में तो सर सेमेस्टर नंबर थ्री के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हालांकि पहले ये हमारे ना सेमेस्टर आगे सेमेस्टर पांच फाइनल ईयर में होता था, लेकिन अब इन्होंने सेमेस्टर तीन में डाल दिया एक सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर करके। तो अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है सर हम, ताकि हम ये वाला जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डायरेक्ट मैनेजर जिसको आप CFO के नाम से जानते हो, जो कंपनी के अंदर जो सबसे टॉप लेवल पे रहते हैं, वो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पूरा यूज करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये MBA में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से ये रहेगा। तो अब अभी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST सब पढ़ाया जाएगा आपको ग्रेजुएशन में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बीकॉम को, मैं इतना गारंटीड कहता हूं बीकॉम का सिलेबस इतना है, अगर मैं रियलिटी बोलूं तो CA के सिलेबस से ज्यादा सिलेबस बीकॉम का है। बस फर्क इतना है बीकॉम की थोड़ी सी मार्किंग इस तरीके से है कि बच्चों को कई बार पूरे पेपर उस ऑथेंटिकेशन से चेक नहीं होते हैं, लेकिन CA के पेपर ऑथेंटिकेशन से चेक होते हैं। तो वहां पे रिजल्ट क्राइटेरिया कम है और यहाँ रिजल्ट क्राइटेरिया ज्यादा है, इसलिए वो बीकॉम समझते हैं। अगर आप ईमानदारी से बीकॉम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बच्चा CA IPCC कर रहा होगा उसका जाके सेमेस्टर इंटर टू जो नया सिलेबस आया है उसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसके साथ एक और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स लग के आता है, वो करना कंपलसरी हो जाता है, तो वो उसके लिए काम आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम वही हम पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, आपकी क्लासेस की टाइमिंग मैंने 7:30 टू आपका 8:30 से लेके 9 तक का मान के चलो। सर सिलेबस बहुत ज्यादा होता है या कम होता है वो अभी बता देंगे। ये रहेगा आपका MWF, आपके क्लास की टाइमिंग रखने जा रहे हैं MWF। सर क्या क्या पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे, तो यकीन मानना इसके अंदर बुक की बात करते हैं सर। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में FM के नाम से काफी पॉपुलर है ये, तो इसके अंदर बुक लगेगा आपका आरपी रस्तोगी बुक, और प्लस आपको 10 ईयर लेना होगा। जो 10 ईयर है वो मैंने इसका लिख दिया है 10 ईयर, although अब बस प्रिंट होके आ जाएगा। आरपी रस्तोगी किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो भी ले सकता है, नहीं है तो भी ले सकता है। ऑनर्स की अलग आती है आरपी रस्तोगी और प्रोग्राम की अलग आती है, तो आप ऑनर्स के बच्चे हो तो ऑनर्स वाली लेना है, प्रोग्राम के है तो प्रोग्राम। मैंने पहले से ही, वैसे तो हालांकि कुछ बच्चों को जल्दी करना होता है तो पीछे अभी पेपर गया है FM का, तो बहुत बच्चों के 9 और 10 बहुत स्टूडेंट का आए हैं, तो उन बच्चों का फीडबैक था कि पेपर जैसा मैं बताऊंगा 110% उससे अलग पेपर फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का। तो देखो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि सिलेबस ही इतना होता है, खत्म नहीं होता, लेकिन यकीन करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो करा दूंगा एग्जाम में एज इट इज आएगा, इवन दो कई बार डिजिट भी चेंज नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में। सर ये दोनों चीजें करेंगे, आपके अभी इंटरनल आएंगे। इंटरनल में मैंने पहले से ही बुक पूरी रिकॉर्ड कर दी है, बुक पहले से ही रिकॉर्ड कर दी है, प्लस 10 ईयर भी पहले से ही पूरा रिकॉर्ड है। जैसे कॉस्ट कॉर्पोरेट में 10 ईयर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पूरा, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड 10 ईयर रिकॉर्ड कर दिया मैंने और बुक, ताकि अब जो से डाउट वाला सेक्शन होता है ना वो आपके डाउट आए ही ना। डाउट के लिए हालांकि नंबर है, लेकिन आपके पूरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व, पूरे 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व, और लाइव क्लास में भी पूरे के पूरे सारे चैप्टर होंगे दोबारा, तो आपके डाउट के चांसेस तो ना के बराबर मान के चलिए, डाउट आएगा ही नहीं।
फिर भी हम डाउट के लिए डाउट का नंबर आपके कोर्स के अंदर डाला हुआ है, और उसके बाद आपके कंटेंट रिलेटेड भी कोर्स के अंदर नंबर सारे अपडेट कर दिए हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है डाउट में। तो पहले तो हम श्योर हो जाते हैं कि सर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट के लेवल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एकदम मन लगा के पढ़ेंगे। जो बच्चे आज ज्वाइन हो रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम तक तो वो बहुत मतलब कि एकदम स्मूथली एग्जाम जाएगा। इसका पेपर मैं गारंटीड कहता हूं, अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आप 3 घंटे में इसका पेपर नहीं, 2 से 2.25 घंटे में आप एग्जाम में पेपर खत्म करके बाहर आ जाओगे। एक्यूरेट की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके का सिलेबस है सर। सेमेस्टर 3, 5, 2 FM हो, हाँ सेमेस्टर 3 में नए वाले में है, 5 में पुराने वाले में था, तो उसके हिसाब से ठीक है ना। तो चलिए आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, ये सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट जो है, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि आपका सिलेबस जो DU, मैं हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करता हूं, और अगर कोई बच्चा अदर यूनिवर्सिटी का देख रहा हो तो मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा वो अपने हिसाब से मैनेज कर ले। पहला यूनिट है ओवरव्यू, तो ये यूनिट जो है वो थ्योरी भी है और एक चैप्टर इसमें प्रैक्टिकल भी है, 2 चैप्टर बना के बना है, और ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 10 नंबर का। हालांकि पेपर 90 का आएगा तो 90% कर देना, यानी पेपर क्वेश्चन पेपर में 9 नंबर का हो जाएगा ये। इसके बाद कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा यूनिट है, ये 25 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा, एक ही सिंगल चैप्टर है जो कि 25 नंबर का आएगा, तो सबसे बड़ा है। इसके बाद कैपिटल फाइनेंशियल डिसीजन ये 30 नंबर का आएगा, इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट है, मैं भी सारे चैप्टर को भी डिस्क्राइब कर दूंगा। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, EBIT है, लीवरेज है, वैल्यू ऑफ फॉर्म है, काफी सारे चैप्टर हैं। डिविडेंड डिसीजन बहुत आसान लड्डू जैसा चैप्टर है, ये 15 का जो कराऊंगा तो वही पेपर में उठ के क्वेश्चन आ जाता है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन 20 नंबर का, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पैटर्न डिजाइन है। ये मैं यूनिट वाइज आपको मैंने मार्क्स का वेटेज बता दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडेक्स कैसे भी हो, मैं पढ़ाता हूं वैसे हूं जिससे कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, इससे चैप्टर ये लिंक है, तो मैं कभी भी सीक्वेंस में नहीं चलता और मैं फोल्डर भी उसी हिसाब से अपडेट करता हूं, आपको दिक्कत नहीं हो, जिससे कि आप लिंक कर पाओ, ठीक है ना, उन चीजों को। क्योंकि मैं दूसरा चैप्टर पहले कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसके काफी सारे लिंक पहले चैप्टर से हैं, तो मैं पहले ये कराऊंगा या जो भी कराऊंगा। अब DU ने जो सिलेबस के इंडेक्स में लिखा है कि भैया तुम ये सारी चीजें पढ़ लेना और ऐसे से पढ़ लेना, तो मैं इसमें से चैप्टर छांट लेता हूं आपको। ये तो हो गया आपका थ्योरी, यहां जो ये लिखा है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, तो ये एक चैप्टर तो ये हो गया हमारा थ्योरी का, जिसको मैं चैप्टर में तोड़ के पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा चैप्टर ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे मैं पढ़ाऊंगा। कैपिटल बस्टिंग तो एक सिंगल चैप्टर है, लेकिन हमारी किताब में 2 चैप्टर में तोड़ा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 3 ये हो गया, चैप्टर नंबर 4 ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये 2 चैप्टर में मैं तोड़ के इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा होता है। इसमें देखो कैश फ्लो एस्टिमेशन, पे बैक पीरियड, IRR, PI, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और इतना इंटरेस्टिंग है ना, स्टॉक मार्केट से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक आएगा इसके अंदर। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होना, फैसला लेने वाली बात है इसके अंदर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर नंबर 5 में काउंट करूंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इसे चैप्टर नंबर में 6 काउंट करूंगा, मैं बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा इन चैप्टर को, एक एक चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा। वैसे DU ने भी ऐसे ही दे रखा है कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर मैं एक बात और कर दूं, इसके अंदर कुछ एक पॉइंट मिसिंग है, तो मैं इसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मार्जिनल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल इक्विटी, रिटेन अर्निंग, WACC, कुछ चैप्टर यहां पे मिसिंग है जिसको मैं लिख दूंगा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, साथ के साथ यहां पे लीवरेज चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ के साथ EBIT भी मैं पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर 5 के बाद 6 नंबर ये हो जाना चाहिए, 7 ये हो जाना चाहिए, और इसको 8 नंबर मिलना चाहिए। तो ये DU के अंदर सिर्फ वो टॉपिक्स लिख देते हैं, लेकिन वो टॉपिक भी कहीं ना कहीं एक चैप्टर के बराबर होते हैं, जिसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सर ये NEP का है, दोनों कोई भी बच्चा हो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आ जाइए अब डिविडेंड डिसीजन को एक चैप्टर मान लेंगे, तो इसका मतलब 8 चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर हो गए ये टोटल।
ठीक है, डिविडेंड डिसीजन को। वर्किंग कैपिटल के अंदर अलग अलग चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल के अंदर एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर नंबर 10 हो गया, एक अलग चैप्टर है ऑपरेटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 11 हो गया, इसके बाद आपका एस्टिमेशन रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 12 हो गया, और दो चैप्टर और है इसके अंदर कैश मैनेजमेंट और एक है ईओक्यू इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो टोटल 14 चैप्टर हैं आपके बुक में। इस 14 चैप्टर को मैंने कुछ इस प्रकार बांटा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये कुछ 11 चैप्टर आपके सामने है जिसको मैंने छोटे छोटे बांट दिए हैं, और बाकी ये से 14 चैप्टर टूट जाएंगे अगर तोड़ें तो इसको हम। ओके सर, कैसे? देखो, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर, ऑपरेटिंग साइकिल एक, तो दो चैप्टर हो गया। तो मैंने जो ये इंडेक्स बनाया है मैं इसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा आप सभी को। इवन दो मैंने बता दिया कि किस दिन किस चैप्टर को मैं कराऊंगा, सारा प्री डिसाइडेड करके मैंने उसमें लिख दिया है कि इस दिन ये चैप्टर ये टॉपिक होगा। ये दो चैप्टर हो गए ईओक्यू, फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ये दो चैप्टर पहले मैं कंप्लीट करूंगा, इसके बाद फिर मेरा लीवरेज चैप्टर होगा। इन दोनों चैप्टर में से जो ये दो चैप्टर है, इस दोनों चैप्टर में से और आपका ये रहा लास्ट के दोनों चैप्टर, तो ये चार चैप्टर जो बनते हैं वो यूनिट नंबर आपके लास्ट के जो 5 यूनिट है उसके बनते हैं। और 5 यूनिट कितने का बताया था अभी आपको, 5 यूनिट हमारा है 20 नंबर का बनेगा। यानी अगर आप ये चार चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर 100% सिक्योर हो गए। दो भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में भी आएगा। इसके बाद लीवरेज, ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म, ये चैप्टर हमारे बनते हैं 30 नंबर के आपके। ये चैप्टर बनते हैं 30 नंबर का, ये यूनिट नंबर 3 है, मैं बता दूं कौन सा है, ये वाला है हमारा यूनिट नंबर 3। उसके आगे लिख भी देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो पढ़ने में ना। तो ये यूनिट नंबर 3 का है, बहुत सारे बच्चे नए भी ज्वाइन हुए होंगे। तो आप सबसे पहले जब पढ़िएगा ना, तो एक तो आप मोबाइल फोन के अंदर जब पढ़ रहे हैं तो वैसे तो इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, बाकी कॉल वगैरह अवॉइड करके चलें। और दूसरा आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा। जैसे अभी सर लाइव क्लास के नोट्स प्रोवाइड करोगे आप, बिल्कुल लाइव क्लास के सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, दिया का पूछना था ये, तो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आपको हैंड रेज का भी ऑप्शन अनेबल करवा देंगे, जिससे आप हैंड रेज करेंगे तो हम वर्बली आपसे बात कर पाएंगे और जो डाउट होंगे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको कमेंट में लिखना है, नहीं समझ में आए फट से लिख दो कमेंट में, लाइव क्लास अटेंड करो। बस मैं आपसे एक घंटे मांगता हूँ, एक से सवा घंटे जो भी है वो चाहिए, और एक घंटे घर पर प्रैक्टिस कर लो, हफ्ते में डेली का एक घंटा चाहिए आपसे। आपका सिलेबस ऐसा होगा कि लास्ट में बोलोगे सर क्या रिविजन करें ये बताओ, सब तो हो ही रखा है। तो इस हिसाब से तरीके से हमें पढ़ना है। डिविडेंड डिसीजन एक अलग यूनिट है, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग एक अलग यूनिट है, ये यूनिट नंबर 2 आ जाता है। TVM ये एक अलग यूनिट, यूनिट नंबर 1 आ जाता है। तो मैं कुछ इतने चैप्टर में इसे बांट के आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कई बार बच्चा बोल लेता है कि सर आपने यूनिट 1 कराया तो फिर यूनिट 2 क्यों स्टार्ट किया पहले यूनिट, नहीं, पढ़ने का तरीका जो रहेगा उसी के हिसाब से हम करेंगे। आपको इवन दो बता दिया गया है कि वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग साइकिल में कितना समय लगेगा, वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं पहले से। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं कि किस किस में कितना कितना आपको समय लगने वाला है, मैं सारा का सारा आपको दिखा देता हूं। चलिए, बन गया था शायद मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये रहा। आप देख पा रहे होंगे कि वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग साइकिल में 24 तारीख आज है, 24 तारीख स्टार्ट कर दिया है, 8 जुलाई और 7 दिन इसमें टोटल हम कंज्यूम करेंगे, जो 8 जुलाई को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर वो सीक्वेंस में ईओक्यू। तो ये पूरा इंडेक्स भी आपको टाइम टेबल दे दिया गया है। अच्छा, जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो सिलेबस कोर्स के अंदर बड़ी सारी कोशिश रहती है, काफी बच्चों का मानना होता है कि सर कैसा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो काफी टाइम से मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों से आप अपने सीनियर से पूछोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशली, तो किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि हमारा पेपर थोड़ा भी ऐसा गया है, बोले पेपर तो बड़ा आसान आया था, हमने इतनी मुश्किल मुश्किल सवाल कर लिए और पेपर में उससे आसान सवाल आ गया। तो उस हिसाब के उस लेवल का पढ़ने, लेकिन बस मैं आपसे एक ही प्रॉमिस चाहता हूं, आप एक ही प्रॉमिस करिएगा
और के आप मुझे डेली का 1.25 घंटा देंगे, कहीं भी हो लाइव क्लास अटेंड करेंगे। दूसरा, जो होमवर्क दूंगा मैं उसे होमवर्क से करेंगे, तो यानी आज जो लाइव क्लास किया उसको नोटिंग भी करेंगे। नोट करने के लिए आपको अच्छे से रजिस्टर न्यू लेना है, यानी पेजेस में हो जाएगा, न्यू रजिस्टर ले लीजिए। बुक जब आ जाएगा बुक का लिंक दे दूंगा, नहीं तो नियर बाय शॉप पे आपके मिल जाएगा। बुक और रजिस्टर प्रॉपर स्केल से काम, नीट एंड क्लीन काम करिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिया होगा, बच्चों ने कुछ के तो होने वाले हैं, तो आपने वहां पे एक चीज जरूर अपने आप से बोला होगा कि यार अगले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो वक्त आ गया है आपका जब आपको पढ़ना होगा। तो होपफुली मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस समझा दिया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज सिर्फ हमने सिलेबस को डिस्कस किया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में मैं पहला चैप्टर दैट इज अ वर्किंग कैपिटल में स्टार्ट करूंगा, जो यूनिट नंबर 5 का है, वर्किंग कैपिटल। यकीन मानिएगा बहुत सिंपल चैप्टर है, पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है? हाँ, कहते हैं कि सर टेस्ट आप इंक्लूड करोगे? बिल्कुल, टेस्ट अभी हमने जैसे अपने पर्सनली मैंने क्या करा है कि हमने मंथ में 2 टेस्ट का शेड्यूल करा है। इसके लिए हमने रूल भी बनाया, मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। वैसे तो हमारा ये इंटरनल मामला होता है कि हम सभी टीचर बनाते हैं, तो देखो रूल बना रखे हैं हमने कि हमारे स्टूडेंट के जो डाउट है, वैसे तो डाउट आएंगे नहीं, 100% लिखवा लो, इसमें सब करा ही दिया, तो स्टूडेंट के जो डाउट है वो 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। किसी का कंप्लेन है तो उसका 4 घंटे के अंदर रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। लाइव क्लास 10 मिनट लेट नहीं हो सकता, लाइव लेव होगा तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो टीचर होंगे उनके ऊपर। इफ टीचर एबसेंट हो जाते हैं क्लास के अंदर तो उनके ऊपर भी पेनल्टी है। और आपको 2 टेस्ट, देखिए मैंने लिखा हुआ है, 2 टेस्ट लेना ही लेना है महीने में, चाहे कैसे भी ले, महीने में आपके 2 टेस्ट होंगे। तो ये सारे शेड्यूल हमारी ना इस बार पिछली बार के मुकाबले हमने बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है। और क्लासेस को लेट भी ले सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्टूडियो घर के पास सेटअप किया है। ये मतलब पहले भी घर के पास था लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रोविजन मैंने चेंज किया है, तो होगा तो एग्जाम टाइम पे हम रात को 10, 11, 12, 1 जो भी हम लाइव क्लास लेते रहेंगे उसमें। सर नोट्स डाउनलोड हो बेटर होगा? बिल्कुल, नोट्स डाउनलोड, प्रिंट ना निकालेंगे ना अनुभव, तो उसमें आपका, मैं नोट्स की बात करूं तो प्रिंट निकालने में आपको बहुत सारा कलर चला जाता है। तो आप लिखिए, क्वेश्चंस आपको सारे बुक में मिलेंगे, बुक के क्वेश्चंस मैं फॉलो करूंगा और आप उसको प्रैक्टिस करिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप लिख लीजिए। हाँ, डाउनलोड करने का मैं ऑप्शन इनेबल करा दूंगा, आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके अंदर कॉपीराइट का कई बार इश्यू आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बुक के हैं तो आप उसको शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, शेयर करने से थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सर लाइव क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे, दिया बता दिए ये सर, एनएपी का है नोट्स डाउनलोड। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो, अभी इतने सारे बच्चे लाइव हैं, किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर उनको पता नहीं चला है, तो आप अपने फ्रेंड को रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भैया क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पढ़ लो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम साथ के साथ और भी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपकमिंग जो हमारा वेडनेसडे या फ्राइडे जो होगा उसके अंदर आपका एक, मैं कॉलेज का रिलेटेड भी मैं बातें करूंगा कि भैया के कोर्स कौन से बेटर ऑप्शन में है। अभी ACCA के स्लाइड चल रहे हैं, बन जाएंगे, तो ACCA के बारे में पूरा डिटेल देने वाले हैं आपको। आरपी रस्तोगी, सर बुक कौन सी लेनी है? आरपी रस्तोगी, अगेन मैं क्लास को एंड करते करते मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मन में होता है सर कैसे पढ़ाओगे, नोट्स कहाँ से होंगे, तो बहुत बच्चे नए होते हैं तो पता नहीं होता। बुक होगा जो पूरे आपके DU में चलेगा, एक ही बुक है, आरपी रस्तोगी, एक बुक। इसके साथ 10 ईयर लेना होगा, 10 ईयर शिवदास का मैंने लिख दिया है, 10 ईयर। आपको इन दोनों बुक चीजें कराई जाएगी, ऐसा नहीं है एक कराई जाएगी। कॉर्पोरेट में तो देखो मुझे वक्त ही नहीं मिला, फ्रेंकली बोलूं, कि मैं 10 ईयर तक जा पाऊं, लेकिन इसमें पूरा 10 ईयर भी आपका होगा। सर प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के सिलेबस में कोई चेंज है क्या? नहीं, FM में कभी चेंजेस नहीं आता है सर, वो भी लॉन्च कर दो। क्या कर दें? कालरा का क्या कहना है सर? कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी बता देना। हाँ, मैं सारा CA बीच बीच पे हम करते रहेंगे। देखो स्टार्टिंग से जब ज्वाइन होते हो ना, तो हम जैसे 3 क्लासेस रख लें, तो 1 क्लासेस ना रख के आपको करियर से रिलेटेड ओरिएंटेड सारी चीजें बता दी हमने,
वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अब जो बच्चा लास्ट में ज्वाइन करता है, लास्ट में बिल्कुल बोलता है 10 दिन, तो हम 10 दिन में सोचते हैं इसको फ्यूचर का करियर ओरिएंटेड बताएं या 1 महीने पहले, या फिर इसको पहले हम पास होने कराएं। तो आप इस टाइम पे जुड़े हो तो आपके बैच में सब चीज बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे फ्यूचर में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी लास्ट तो कैलिबर आपका ही होता है कि जॉब आपके आपके अपने काबिलियत पे होती है, किसी कोर्स के काबिलियत पे कभी नहीं होता कि आप कितना कैपेबल हो, कितना जल्दी आप किस चीज पे रिस्पॉन्स कर पाते हो, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आई एम ऑल्सो परस्यूइंग, देखो अंशुका कह रही है कि मैं भी ACCA परस्यू कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इनका एक पेपर भी एग्जेम्प्ट हो गया होगा, लॉ का पेपर एक एग्जेम्प्ट हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, काफी अच्छा एक्सपोजर है MNCs वगैरह में, तो मैं सब पे बताऊंगा जिससे कि आपको फायदा मिले थोड़ा। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का देखो, मैंने कुछ चैप्टर्स पहले रिकॉर्ड किए थे, तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस चीज में बेहतर हूं मैं वही करूं, मैं इतना करवा दूंगा। 1-2 चैप्टर अगर कुछ रिकॉर्डेड है मेरे पास वो मैं डाल दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कोर सब्जेक्ट ही, बाकी एक टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो वो मैं देखता हूं, तो वो मैं कोर्स अलग से मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा उनसे, पूरा लाइव नहीं रहेगी, रिकॉर्ड रहेगी लेकिन वो, ठीक है ना। बाकी मेरा एक्सपर्टीज जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, मेरा एक्सपर्टीज जो है आगे पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में है, मेरा एक्सपर्टीज जो है इनकम टैक्स में है। मैं वही चीज देखो, आप अगर मेरे पास ज्वाइन हुए हो तो आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपकी उम्मीद होगी यार चल यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगी, आपकी उम्मीदें होगी यार चल यार यहाँ पे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चल यार थोड़ा सा हमारा घर बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी उम्मीदों पे मुझे खड़ा उतरने के लिए मुझे सब्जेक्ट में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन टूटने से मेरा भी लॉस है और बच्चे का पूरा करियर खराब हो सकता है। उसको सोचते हुए मैंने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के क्लासेस रिकॉर्ड की है, मैं वैसे ही दे दूंगा, इसकी कोई चार्ज वगैरह नहीं होगी, मैं फोल्डर में डलवा दूंगा एक बार देख के, लेकिन इसके लिए अलग से मैं क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं इसको लेके चलूंगा आपके साथ। हाँ इजी है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तो होपफुली आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। वेरी वेरी गुड नाइट, अगली क्लास से हम वर्किंग कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अभी बुक नहीं मिलेगी, मैं क्वेश्चन स्लाइड पे दिखाऊंगा, उससे आप मेहनत उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप अच्छे रहिए और ध्यान से पढ़िएगा। अगली क्लास में मेक श्योर करिए कि रजिस्टर पेन न्यू, आपका पेन तो कोई भी चलेगा, रजिस्टर एटलीस्ट न्यू इसका होना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज ऑन वेडनेसडे, और शाम को 7:30 से आपका 8:30-9 जो भी बच जाए उस टाइम पे हमारी क्लास होने वाली है। गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। चलिए वेरी वेरी गुड।